तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ये पता चल गया कि गुड्डा गुड़िया की शादी खेल था। अगर ये खेल नहीं। असद बेटा, अहमद ने जाकर रोशाने को लाने से इनकार कर दिया है। वहां रोशाने और उसके घर वाले अहमद का इंतजार कर रहे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अमिया परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ। एक बात याद रखो, तुम्हारे वजूद की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगी तुम, उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हिजर ही मुकद्दर है। नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें इस तरह ज्यादा केयर वेयर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी केयर करना मेरा फर्ज है। फर्ज? अच्छी कोशिश है मेरे घर वालों का दिल जीतने की, लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि यूं ही एक दिन मेरा भी दिल जीत लोगी, तो यह गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। चलो जाओ, ये चाय वाय लेके। नहीं चाहिए। हजार बार अली को मना किया कि मेरी चीजों में ना घुसा करे, बहुत शरारती हो गया, मेरी कोई बात नहीं सुनता। क्या हो गया? देखें टेबल का क्या हाल कर दिया है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कबाड़ खाना हो। इसको कुछ बोलो तो अम्मी अबू नाराज हो जाते हैं। ये सब अम्मी अबू की वजह से हुआ है, उनके लाड प्यार ने इसे खराब कर दिया। भाई अब वो अम्मी अबू का लाडला नहीं होगा तो हम लोग होंगे क्या? आप तो सारी बातें बस ऐसे ही टाल दिया करें। अच्छा तो मैं गुस्सा किस बात पे है, अली के शरारत करने पर, अम्मी अबू को उसको लाडला बनाने पर, या फिर मुझ पर? मुझे एक बात बताएं, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? ओह, तो ये बात है, इसलिए अली की शामत आई हुई है। असद मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, घर में तो सब खाने की आज ऐसे तारीफ कर रहे थे जैसे आज से पहले अच्छा खाना कभी बना ही ना हो। अरे भाई रोशाने ने वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया था, तुम भी तो खा रही थी ना, मैंने कुछ गलत बोला? हाँ ठीक है, अब मेरी कदर किसको, इतने सालों में किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मेरी तारीफ करे, मैं तो जैसे कुछ करती नहीं ना। सारा सारा तुम छोटी सी बात का फिर इशू बना रही हो, फिर वो जिन हालात से गुजर रही है हम सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। करें सपोर्ट और करें, अब ये भी मेरी गलती है कि मेरा शौहर मेरे साथ ठीक है तो घर में किसी और को क्या जरूरत है मेरे साथ अच्छा सलूक करने की, है ना? फिर क्या सोचा है तूने? कब बात कर रहा है मेराल से? अभी कुछ नहीं सोचा यार, तेरे सामने ही है ना, सब कुछ छोड़ के आ गई है वो, क्या कहूँ उसे कुछ समझ में नहीं आता। देख अहमद, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे हाथ में यही बेहतर है कि तू मेराल को सब कुछ सच बता दे और इस मामले को यहीं खत्म कर। खत्म कर दूँ? कैसे खत्म कर दूँ? आमिर मैं प्यार करता हूँ उससे, और वो मुझसे, और इस बात का सबूत भी दे चुकी है वो, और अब जबकि वो वापस आ गई है सब कुछ छोड़कर, तो क्या कहूँ उससे कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि मैंने शादी कर ली है, खुदगर्जी नहीं हुई है। अच्छा ये खुदगर्जी है, और वो लड़की तू मान या ना मान वो तेरी बीवी है, उसके साथ जो तू सलूक कर रहा है उसको क्या कहेगा, वो खुदगर्जी नहीं है? देख मैं मानता हूँ मेरा तुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ फैसला कर, ऐसे कब तक जिंदगी को दो हिस्से में बांटेगा, और वैसे भी ये बात कब तक मेराल से छुपेगी? कोशिश करूंगा बात करने की, पर डर लगता है मुझे उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है।
वो तेरे साथ शादी का प्लान बनाकर बैठी हुई है, जितनी जल्दी हो सके बात कर ले। वैसे तुम लोग एक दूसरे से बोर नहीं होते? एंड यू मुझसे मिलने आते हो या ऐसे गप्पे मारने? हाँ, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से यूनिवर्सिटी में मैं तुमसे बहुत जेलस होती थी। हर वक्त दोनों चिपके रहते हैं। चले, ये और भी बातें करनी है तुम लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। चलो, लेट्स गो। थैंक गॉड। हैरत अहमद, तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, मुझे याद है। तुम्हें क्या लगा था भूल जाऊंगा मैं? बस एक तुम पर ही तो एतबार रह गया मेरा। इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? मैंने कभी सोचा नहीं। पहले मैं जब तुमसे ये सवाल पूछती थी, तुम्हें याद है तुम क्या जवाब देते थे? हाँ याद है, मैं हमेशा कहा करता था कि प्यार है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं कि पता हो कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट मिलेगा। तुम और तुम्हारी बातें। मीरा, तुम्हें 2 साल में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं बदल चुका हूँ? नहीं, कभी कभार अगर ये ख्याल मेरे माइंड में भी आता था तो तुम्हारी बातें याद आ जाती थी। वो क्या कहते थे तुम? जेमिराल, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, एक शख्स होगा जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, एंड दैट विल बी मी, है ना? इट्स ट्रू, और ऐसा ही होगा। या खाना ऑर्डर करें क्या? I'm hungry. Great. Excuse me, sir. अहमद, 2 साल बहुत अजियत में गुजरे हैं। तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ हर लम्हा मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा है ये मैं जानती हूं, लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मीराल, मैं साथ हूं तुम्हारे, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। I trust you. इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। अहमद, प्लीज सब ठीक कर दो जैसे तुम पहले किया करते थे। ठंडा हो जाओ। Thank you.
उठो। ये क्या किया? मेरी अलमारी में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो आपके कपड़े बिखरे हुए थे तो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। दोबारा मेरी किसी चीज को छेड़ा ना तो तुम सोच नहीं सकती मैं क्या करूंगा। इस कमरे में अगर रहना है ना तो इस तरह रहो कि तुम हो या नहीं मुझे कोई फर्क ना पड़े। मैंने सोचा है मैं। क्या सोचा? यही कि बीवी हो मेरी, ये सब कुछ करना तुम्हारा फर्ज बनता है। जब मैंने तुम्हें कोई हक दिया ही नहीं तो फर्ज कैसा? सो जा। बिल्कुल ठीक हूँ। एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड है मेरी, उसके घर पे रुकी हुई हूँ। अम्मी प्लीज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप पता नहीं क्यों इस टॉपिक पे मुझसे बात करती हैं। ठीक है, अच्छा बताएं। आप नंबर बताएं अम्मी, मैं लिखती हूँ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, नंबर तो बताएं मुझे। 0342 23। ऑलराइट, ओके ओके बाय। 0342। क्या हुआ? क्या ये? निराल वो क्या? वो लोगों ने मुझसे छुपाया। हेमंत ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्या है ये? निराल हम लोग तुम्हें बताने वाले थे। मेरी बात बताने वाले थे? मैं वही समझा रहा हूँ। निराल मेरी बात तो सुनो निराल। मैं निराल दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। निराल दरवाजा खोलो। निराल दरवाजा खोलो। निराल दरवाजा खोलो। सलाम। तूने मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़कर आई हूं और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। मेरी दुनिया उजाड़ कर
अपना घर बसा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो विराल। Pick up your phone! विराल, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बात सुनो मेरी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। सिर्फ अहमद से करनी है। अहमद ने तुम्हें कॉल कर लिया। जी। क्या सोच रहे हो बेटा? नाश्ता करो। कर रहा हूं। अबू मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, देर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। भाई बेटा तुम्हारा फोन इतनी देर से बज रहा है, चेक तो कर लो, हो सकता है किसी की इम्पोर्टेंट कॉल हो। नहीं अबू, मुझे पता है कौन कॉल कर रहा है और इम्पोर्टेंट नहीं है। गाड़ी की चाबी दो। सुनो इस टाइम पे तुम क्या? मैंने अहमद से बात करनी है, गाड़ी की चाबी दो। निराल रिलैक्स, ये तुम चाबी कहाँ है? निराल ये सही नहीं है, इस टाइम तुम क्या कर रही हो? ये निराल मगर तुम जा कहाँ रही हो, क्या कर क्या रही हो? निराल निराल ये सही, ये वक्त सही नहीं है। निराल मेरे मामू में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। निराल मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। निराल मेरी, निराल चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, एक शख्स होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ देगा। अंदर बीमी सुनिया, कुछ पता है निराल कहाँ है? यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता किसको क्या जवाब दूँ। इधर से वो पूछती है कि तुम कहाँ, उधर से तुम सवाल करते रहते हो कि वो कहाँ है। अरे यार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मुझे फोन कर रही थी, उस वक्त उठा नहीं सका। अभी मैं उसे कितनी देर से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही है। वो तेरी ही तरफ गई है यार। मेरी तरफ? पर मैंने कहा था उसको मैं खुद मिलने आऊंगा। उसे तेरी शादी का पता चल गया है। क्या? पर कैसे? वो सब मैं तुझे मिलके बताऊंगा। अभी तू उससे किसी तरह कांटेक्ट कर, मेरा रास्ता होता है मैं तुझे इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो विराल, जैसे मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तू कहाँ से बोल रहा है, कौन से हॉस्पिटल में? रुक मैं आ रहा। हंसी आ रही है, अपनी हंसी को बंद करो क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर
हंसना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें सांस तक लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, समझे? हिजर ही मुकद्दर है। दादू चले ना, दादू चले ना। आए, आए। दादू अब दोबारा बैठ गए। बेटा बेटा हमसे तो चला नहीं जाता, हम भागेंगे कैसे आपके साथ? तो तेल नहीं भागेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता खेलेंगे हम लोग, प्रॉमिस में ज्यादा दूर शॉट नहीं मारूंगा। बेटा कहा ना हम नहीं खेल सकते मेरी जान। अच्छा नाराज तो ना हो अबू, चाय लेते रहो बेटा। मैं आपसे कुटती हूँ, आप बस ज्यादा नहीं है, आप मेरे साथ क्रिकेट भी नहीं खेलते, मामा भी नहीं खेलती है, पापा ऑफिस में होते हैं, चाचू भी नहीं खेलते हैं, सब गंदे। आप क्यों कटी हुई यहाँ पर, क्या आप खेलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल मैं खेलूंगी आपके साथ। रियली? यस। तो फिर चले मेरे साथ। चलो। I tried. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मेरा दिल तुम्हारे सिवा किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और फिर ये सोचकर तकलीफ होती थी कि तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी को रोका हुआ है। अहमद, 2 साल बहुत अजियत में गुजरे हैं। तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ हर लम्हा मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा है ये मैं जानती हूँ। साहब अब कैसी है वो? देखिए काफी चोटें आई हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी अल्लाह से दुआ करें। चाची वो जो आउट कर दिखाएं, मैं अपने स्कूल टीम का कैप्टन हूँ। अच्छा बड़े बड़े कैप्टन देखे मैंने। ठीक है फिर इस कैप्टन को आउट कर दिखाएं। ओह तो ये बात है, रेडी? तो फिर येलो आउट आउट आउट। चाची नहीं, पहले बॉल पर आउट नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरी बॉल पे भी आउट करके दिखाऊंगी। अब रेडी हो मिस्टर कैप्टन? बिल्कुल रेडी, इस बार 6 रन लगाऊंगा। देखते हैं। आउट आउट आउट, दोबारा आउट। चाची वो मैं आज फॉर्म में नहीं था। कोई बात नहीं, खेलो खेलो, फॉर्म भी वापस आ जाएगी। बहुत ही हिम्मत वाली और जिंदगी से भरपूर लड़की है साहब। जो कुछ इसके साथ गुजरी है उसके बाद अपने आसाब को इतना मजबूत रखना एक हौसलामंद लड़की का ही काम है। बेशक। मैं तो कहता हूँ बहुत बदकिस्मत है अहमद जो इस लड़की की कदर नहीं जान रहा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ लेकिन ये एहसास जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है, वरना नुकसान सिर्फ अहमद का है और किसी का नहीं। आमिर तुझे रोकना चाहिए था उसे। रोका था यार, बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन उस पर तो तुमसे बात करने की जैसे धुन सवार थी, दीवानी हुई भी थी। कह रहा था, इसीलिए कह रहा था कि उससे बता दो क्योंकि मुझे पता था अगर उसे किसी और से पता चलेगा तो बहुत हंगामा खड़ा कर देगी। पर पता कैसे चला उसे? उसने तेरी शादी का कार्ड देख लिया था। मेरी शादी का कार्ड तूने घर पे रखा हुआ था जबकि तुझे पता था तेरे घर पे रह रही थी वो। पता नहीं उसको कैसे मिल गया, मुझे तो खुद नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। उसके आने की टेंशन में मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। I'm really sorry यार। It's okay यार, चलो गलती मेरी है, मुझे बता देना चाहिए था उसे।
फिर कैसे बता दूं? मुझे लगा थोड़ा वक्त गुजर जाएगा तो बता दूंगा उसे, पर काश काश मैं उसे बता देता यार। देख, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, बस दुआ कर कि वो ठीक हो जाए। ये लीजिए। शुक्रिया खालदा। अरे शुक्रिया की क्या बात है, आपका अपना घर है। बिल्कुल, हमेशा अपना ही तो समझा है। वैसे रोशी कैसी है अपने ससुराल में? माशाल्लाह बहुत खुश है, इस मामले में अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मगर आप फिर भी पूछती रहिएगा, हैं तो पराया ही ना। मैंने तो कहा था अपनों में देती रोशी का हाथ, दिल सुकून में रहता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, और अल्लाह ना करे कि हो। नौशी के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, और ख़ास तौर पे उसकी सास और ससुर बहुत ही नफीस हैं। भाई वो बिल्किस साहब बहुत नाराज़ हैं आपसे। क्यों? वो कह रही थी बहुत पहले उन्होंने आपसे रोशी का हाथ अपने बेटे सुभान के लिए मांगा था, मगर आपने रिश्ता भी नहीं दिया और इनकार भी नहीं किया। नहीं ऐसा तो नहीं था, बिल्किस ने रस्मन जिक्र ज़रूर किया था। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस मामले में सोचती ज़रूर, और वैसे भी अल्लाह ने रोशी का जहाँ नसीब लिखा था वहाँ कर दिया। ये तो है। ये सईद मियाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? अरे भाई होना कहाँ है, उनके भनोई की 30 साल की सरकारी खिदमत थी, बस उसी की पेंशन के चक्करों में ख्वार होते फिरते हैं। डॉक्टर साहब, हाउ इज शी नाउ? देखिए शी इज स्टिल इन क्रिटिकल कंडीशन। एक्चुअली ऐसे केसेस में होता यह है कि पेशेंट का होश में आना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। डॉक्टर साहब, क्या मैं बस थोड़ी देर के लिए उसके पास जाकर देख सकता हूँ उसे? हाँ ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाइए। इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा प्लीज। इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। हिम्मत प्लीज, सब ठीक कर दो जैसे तुम पहले किया करते थे। कर यार। क्या हिम्मत करूं यार, उसकी हालत देखी है तूने, बेजान पड़ी है मशीनों के बीच मेरी वजह से, और उसकी बंद आंखें बिना सवाल पूछ रही है मुझसे कि मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। क्या जवाब दूंगा उसे कि क्यों मैंने उसको अपने ही हाथों से जिंदगी और मौत के बीच पहुंचा दिया। इससे तो अच्छा था यार वो वापस ही ना आती, जैसी भी थी कम से कम इस हालत में तो नहीं थी। जज्बाती मत हो यार, तू हिम्मत कैसे हार सकता है? मेरी मुस्कुराहट का नाम मीराल है, मेरी खुशी का नाम मीराल है, और आज वो मेरी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में है, सिर्फ मेरी वजह से। अहमद वो ठीक हो जाएगी। ठीक तो होना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि अगर मीराल ठीक नहीं होगी ना तो सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। सॉरी
बाहर कब? वालेकुम सलाम। सुनो, अहमद कहाँ है? क्यों, घर पे नहीं? घर पे क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारे साथ ही तो गया था वो। जी मेरे साथ ही था वो, थोड़ा जल्दी निकल गया था, उसको शायद वो आमिर की तरफ जाना था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या किया सारा दिन? बहुत खेला। किसके साथ? दादा के साथ? थकाया तो नहीं दादा को? नहीं, चाची के साथ, और वो ज्यादा दादू की तरह थकती भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेरा बैग कौन उठाएगा? अली। चलो, here's the bag. Go. बेटा जरा फोन करके पता करो अहमद का कब आएगा। जी अबू, मैं फोन करता हूँ। राज के मुंह का फोन। उठा। कब तक नहीं उठाएंगे? मेराल की कंडीशन तुम्हारे सामने, फोन तो उठाना पड़ेगा। और बताएंगे क्या? वही जो सच है, इस हालत में लोगों से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होगा, ना उन लोगों के साथ ना मेराल के साथ। फिर आ जाएगा। मैं बात करता हूँ। भाई, अली की तो तुमसे बहुत दोस्ती हो गई है। जी। अहमद कब तक आएगा? तुम्हारी बात हुई उससे? खाने से पहले तक तो आ ही जाएगा ना। रोशी, तुम बहुत सीधी हो और ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर कभी भी इतना कमजोर ना बनना कि कोई इसका फायदा उठाता रहे। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो उसे छीनना सीखो। बहैसियत बीवी के ये तुम्हारा हक है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अहमद किससे मिलता है और कहां जाता है। देखो, मुझे पराया ना समझो, मैं बिल्कुल तुम्हारी बहनों की तरह हूं। मियाँ की इज्जत करना ये अलग बात है, और हैसियत में रहते हुए जायज बात करना ये एक अलग। ये कैसे हो सकता है कि तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से बात ना करो, तुम्हारा उस पे हक ना हो? खुद को अकेला कभी मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारा, खाना तैयार है? तुम्हारे अब्बू को बुला लूँ खाने के लिए? जी अम्मी, खाना तैयार है, बस सलाद भी हो चुकी है। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें बुला लेती हूँ। फोन ही नहीं उठाता ये लड़का। चलो जी, मतलब रात का खाना भी गलत हो गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? आजकल रोज इस घर में कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहा है। करता कोई और है और भुगतता कोई और। तुमसे किसने कहा भुगतने के लिए? और वैसे ही फैमिलीज में ऐसे ही होता है, किसी एक की परेशानी में सब परेशान होते हैं। होता होगा, मगर आज तक हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। और खुदा ना ख्वास्ता परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ खलल आपके भाई के दिमाग में। प्लीज यार, बहस मत करो। वैसे अभी सर खपा के आया हूं मैं काम पे। तो ये भी तो लाड साहब की वजह से ही है ना, ऑफिस गए थे, मगर अब कहाँ हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। बस सारी जिम्मेदारियां आपकी ही हैं, क्योंकि आपकी तो अपनी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। खैर, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी खाना तैयार है, आ जाए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या करूं उठा के, वही सवाल होंगे, कहाँ हूं मैं, क्या कर रहा हूं, कब तक आऊंगा। एक काम कर, तू घर जा। फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा मैं। अहमद क्यों जिद कर रहा है? मैं हूं ना यहाँ। मैंने कह दिया ना तुझे। देख, इस वक्त तू हर तरफ से मुसीबतें अपने सर क्यों ले रहा है? एटलीस्ट एक तरफ से तो खुद को रिलैक्स कर ले। अभी घर नहीं जाएगा तो 10 सवाल होंगे, फिर उनके 10 जवाब। इस हालत में मिराल का ख्याल कैसे रखेगा? मैं हूं यहाँ, जो भी प्रोग्रेस होगी फोन पे तेरे साथ रहूंगा। वैसे भी यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मिराल की मामा क्या कह रही थी? क्या कहेंगी,
वहाँ हैं, सुनते ही रोने लग गई। अंकल से बात हुई है, पहली फ्लाइट से वो लोग यहाँ पहुँचे। चल अब तू घर जा। एक जो भी होगा ना, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। चल मिलता हूँ। एमा से बात हुई तुम्हारी? जी अबू, मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था कि आमिर की तरफ है, थोड़ी देर हो जाएगी उसको। बेटा तुम खाना खाओ, कोई जरूरत नहीं किसी का इंतजार करने की। हाँ बेटा शुरू करो। क्या लोगी, चावल दूं? दे। दिखा दूंगी। अली मेरे रूम में तो नहीं हो? अली आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। अपनी हंसी को बंद करो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना, आई स्वेयर, हंसना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें सांस तक लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। समझे ना? बताइए ना, कौन है वो? वो है जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, वो है जिसने मेरी जिंदगी में ऐसा साथ को नाम दिया। उसका मुकाम मेरी जिंदगी में वहां है जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। बर्दाश्त की भी एक हद होती है अहमद, ये रोशाने है जो बर्दाश्त कर रही है। तो मैंने नहीं कहा उसे बर्दाश्त करने के लिए, और अगर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझे छोड़ के जा सकती है। रोका नहीं मैंने उसे। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। हमारे दरमियान कोई आ चुका है, चले जाओ। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।